Hello friends, this is Shankar Madhav and you are watching Unique English channel. So today in this video, we are going to learn English with the help of very famous movie Frozen. So friends, जैसा कि आप जानते हैं कि बिना इंग्लिश को सुने इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, इसलिए आज के शो में हम पहले वीडियो को इंग्लिश में सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर रिपीट करके देखने से इंग्लिश बोलना सीखेंगे. फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी फ्रोजन दो बहनों पर बेस्ड है. इसमें बड़ी बहन एल्सा और छोटी बहन का नाम एना है, और एल्सा को जादुई शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी चीज को बर्फ में बना सकती है. सो लेट्स स्टार्ट टुडे शो. Elsa, wake up! Anna, go back to sleep. I just can't. The sky's awake, so I'm awake, so we have to play. Go play by yourself. Do you want to build a snowman? Come on! Done. This is getting out of hand. It was an accident. I'm sorry, Anna. She's ice cold. I know where we have to go. Help! It's my daughter. It's the king. Your Majesty. Born with the powers or cursed? Born. And they're getting stronger. You were lucky it wasn't her heart. The heart is not so easily changed. But the head can be persuaded. Do what you must. I recommend we remove all magic, even memories of magic, to be safe. But don't worry. I leave the fun. She will be okay. But she won't remember I have powers? It's for the best. Okay friends, you have watched the movie. अब हम मूवी को समझते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट के लिए एक लाइक तो बनता है. सो हिट द लाइक बटन और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मूवी कैसी लगी. चलिए मूवी को समझते हैं. ग्रंट का मतलब होता है कराहना या गुरगुराना. जब हमें नींद से कोई उठाता है और हम नींद में कराहते हैं, वह साउंड ग्रंट कहलाता है, या इस तरह का कोई दूसरा साउंड भी ग्रंट कहलाता है. वेकअप मीन्स होता है उठो. किसी को नींद से उठाने के लिए वेकअप वर्ड का यूज किया जाता है. गो बैक टू स्लीप का मतलब होता है वापस जाकर सो जाओ. साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना या आहे भरना. अवेक पहले से ही कोई जागा हुआ हो, इसके लिए अवेक वर्ड का यूज होता है, ना कि वेकअप वर्ड का. जैसे स्काई इज अवेक. सो वी हैव टू प्ले. गो प्ले बाय योरसेल्फ. गैस्प मींस होता है हाफते हुए बोलना. Build a snowman means बर्फ का पुतला या आदमी बनाना. Come on. Giggling means खिलखिलाना. Yes.
स्क्रीम मींस होता है चीखना या चिल्लाना। टिकल मतलब होता है गुदगुदाहट और बम्प मतलब होता है उभार, जैसा कि बर्फ के टीले दिख रहे हैं, और जैसे कि सड़कों पर स्पीड ब्रेकर होते हैं वह भी एक तरह का बम्प है। तो यहाँ पर टिकल बम्प का मतलब हुआ गुदगुदाहट करने वाला बम्प। ठीक वैसे ही जब हम झूला झूलते हैं और हमारे पेट में गुदगुदाहट होती है। हैंग ऑन, हैंग का मतलब होता है लटकना या लटकाना, और हैंग ऑन का मतलब होता है इस पर लटको या इस पर कूदो। कैच मी, जब एल्सा ने बोला कि हैंग ऑन मतलब इस बर्फ के गोले पर कूदो, तो एना ने बोला कैच मी मींस मैंने कैच कर लिया या मैं कूद गई। स्लो डाउन, जब भी किसी चीज को धीरे करने के लिए बोलना हो तो स्लो डाउन वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे काम को धीरे करो, स्लो डाउन द वर्क। Elsa, what have you done? This is getting out of hand. This is getting out of hand. मतलब अब यह हाथों से निकलता जा रहा है। It was an accident. Sorry, Anna. She's ice cold. I know where we have to go. Help! It's my daughter. It's the king. मरमरिंग का मतलब होता है फुसफुसाहट। Your Majesty, born with the powers or cursed. Born and again. Stammering, stammering का मतलब होता है हकलाते हुए बोलना। Getting stronger. You are lucky it wasn't her heart. The heart is not so easily changed, but the head can be persuaded. Pursue. परस्यू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पर हाइट कैन बी परस्यूडेड का मतलब है दिमाग को ठीक या दुरुस्त किया जा सकता है। Do what you must. I recommend we remove all magic. Remove all magic का मतलब होता है जादू को हटाना, यानी एना को ठीक करना है तो उसके दिमाग से जादू की यादें हटानी होगी। Even memories of magic to be safe. But don't worry. I leave the fun. But I will leave the fun. यानी जो मजे किए हैं एना ने उसकी लाइफ में वह यादें वह नहीं हटाएंगे, उसे रहने देंगे। She will be okay. But she won't remember I have powers. It's for the best. Friends, मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारी लोकल लैंग्वेज के डेली रूटीन के सेंटेंस के वीडियो चैनल पर अलग से अपलोड किए गए हैं, उन सेंटेंस को भी देखिए और इंग्लिश सीखिए। और इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट के वीडियो रोजाना देखने हो तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।